झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कमेटी के द्वारा स्थानीय टावर चौक पर भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी और वरिष्ठ नेताओं का पुतला दहन किया गया। साथ ही आरएसएस के लोगों को नसीहत देते हुए नारेबाजी भी की गई। पुतला दहन का कार्यक्रम जेएमएम के जिलाध्यक्ष नरसिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं जेएमएम के जिलाध्यक्ष नरसिंह ने बताया कि जिस तरह से बाबूलाल मरांडी और आरएसएस ने मिलकर हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करवाया, उसको लेकर उनका पुतला दहन किया गया है। वहीं जिला सचिव संजय शर्मा ने बताया कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां महिलाओं पर अत्याचार और नक्सलवादियों चरमपंथी पर है। उत्तर प्रदेश में खुलेआम महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, साथ ही मुख्यमंत्री के काफिला पर हमला करवाया गया है, जिसको लेकर टावर चौक पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। क्यों आप सरकार के विरोधी, मैंने बीजेपी सरकार, सेंट्रल सरकार, उनका कार्य, मैंने जितना यहाँ झारखंड में उनका कार्य काम करते हैं, एजेंट के रूप में जो काम करता है उसका पुतला हम लोग। हाल के दिन में हेमंत सोरेन के यहाँ जो घटना घटाया, षड्यंत्र स्वरूप, ये बर्दाश्त झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करेगी। ये झारखंड की धरती है, ये कहीं से हम लोग कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग शांति स्वभाव रहने वाले आदमी हैं और बाहर से आके यहाँ जो अशांति करने जा रहा है, इसके लिए झारखंड तैयार रहेगा। इसके लिए जो भी काम करने पड़े हम लोग बोल रहे हैं। जिस तरह से घात लगाकर माननीय हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला किया गया और वो भी भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा, यह एक उचित राजनीति है, यह हताशा है, बौखलाहट है, ये उकसाने का प्रयास किया जा रहा है हेमंत सरकार को। लेकिन हेमंत सरकार गंभीर है यहाँ के जनमुद्दों को लेकर, यहाँ के लोगों को लेकर, और इन लोगों की गुंडागर्दी जो है भारतीय जनता पार्टी की, जो संस्कार गुंडागर्दी है, जो आतंकवाद पैदा करता है देश में, जो बांटने का काम करता है, उनके विरुद्ध में आज हम लोगों ने टावर चौक पर पुतला दहन का काम करने का काम किया है और यहाँ से खुलेआम चेतावनी देने का काम किया है कि आपकी ओछी राजनीति, आपकी साजिश भरी राजनीति, आपकी षड्यंत्रकारी राजनीति अब झारखंड में चलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ की भूमि पुत्र माननीय हेमंत सोरेन गद्दी पर बैठा है और यहाँ के लोगों का भला करेगा, आप उसे रोक नहीं सकते हो। बस इन चंद कारणों के कारण। और एक चीज है, जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ की व्यवस्था देखें। उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बेटियों की इज्जत नहीं बच रही है, और बात करते हैं हमारे झारखंड में, वो झारखंड जहाँ की एक मसीहा पैदा हो चुका है, एक नायक पैदा हो चुका है, झारखंड में अब भाजपा की जरूरत नहीं है। वो हताश हो जाए, बौखला जाए, हार्ट फेल कर जाए, भाजपा की इस काली करतूत पर हम लोगों को बतासी जाती है और हम उसका घोर निंदा करते हैं और कड़ी भर्त्सना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।